अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम टू बैक माय चैनल के बी स्लॉट। दोस्तों आज की वीडियो डॉक्टर डर्मा फिशी के हवाले से है। डॉक्टर डर्मा द साइंस ऑफ नेचर के हवाले से इसकी आज हम आपको टेक्निक बताएंगे, डेमो देंगे और रिजल्ट दिखाएंगे। सही टेक्निक के साथ जो फिशल किया जाता है उसका रिजल्ट बेहतरीन आता है। स्पेशली एक्निंग के लिए होता है, व्हाइटनिंग के लिए होता है। मौसम के सर्द गर्म होने पे हमारी स्किन स्या होने लग पड़ती है, उसकी वजह होती है कि हमारी स्किन के अंदर हीट की वजह से या सर्द मौसम की वजह से पिगमेंट पैदा होता है, ब्लैक कलर का मादा पैदा होता है, जिससे हमारी स्किन ब्लैक होना शुरू होती है। तो डॉक्टर डर्मा फेशियल का स्पेशली काम उस पिगमेंट को कम करके व्हाइट टोन में लेकर आना। तो आज हम आपको सही टेक्निक देंगे, डेमो देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट दिखाएंगे, किसका रिजल्ट आता है, उसका बेहतरीन रिजल्ट आता है। आज हम स्टेप बाई स्टेप आपको टेक्निक करके बताएंगे कि कौन सी कितने टाइम पे लगानी है और कौन सी क्रीम कब करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें कि हमारे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचे। तो हम टेक्निक बताते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे और साथ साथ दिखाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन वाइटनिंग डॉक्टर डर्मा फेशियल क्लींजर है। ये 3 to 5 मिनट हमने मसाज करना है और उसके बाद इसी के ऊपर सेकंड एप्लीकेशन। फेशियल क्लींजिंग का पर्पस है डीप क्लींजिंग करना और वाइटनिंग प्रोवाइड करना। सेकंड एप्लीकेशन वाइटनिंग मसाज क्रीम, ये आपने उसके ऊपर 5 मिनट तक सॉफ्ट हाथ से मसाज करना है। सेकेंड एप्लीकेशन मसाज क्रीम, इसका काम है स्किन को सॉफ्ट करना और स्किन सेल्स को रिपेयर करना। थर्ड एप्लीकेशन है, आपने दोनों क्रीमें रिमूव करके अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्किन पॉलिश अप्लाई कर देनी है 10 मिनट तक, और इसके बाद फौरी इसके ऊपर सॉफ्ट हाथ से आपने मसाज करना है 2 to 3 मिनट तक, और उसके बाद इसे रिमूव करके आगे नेक्स्ट क्रीम। थर्ड एप्लीकेशन स्किन पॉलिश, इसका काम है स्किन को सॉफ्ट करना, ग्लो करना और डैमेज को कवर करना। फोर एप्लीकेशन है वाइटनिंग फेशियल स्क्रब, ये आपने 5 मिनट तक मसाज करना सॉफ्ट हाथ से। स्क्रब का काम है ऑयल कंट्रोल करना और डस्ट स्पॉट्स को नीट करना। बाद आपने स्टीम देनी है, स्टीम के बाद ब्लैक एज ट्रीटमेंट होगा और रिमूव करना। स्टीम के बाद ब्लैक एज ट्रीटमेंट होगा और रिमूव करने के बाद आपने मास्क अप्लाई करना है, क्योंकि स्टीम से जो स्पॉट्स हमारे ओपन हो जाते हैं, मसाज मास्क का होता है कि स्पॉट्स को अपनी जगह पे वापस ले आना नेचुरल टोन में, और व्हाइट टोन भी अप्लाई करना। और मास्क का काम है ब्लैक हेड स्पॉट्स को क्लोज करना, स्किन में नमी लेकर आना और व्हाइट टोन प्रोवाइड करना। छठी एप्लीकेशन है वाइटनिंग मल्टी एक्शन क्लींजर, ये आपने 5 मिनट तक अप्लाई करना है और उसके बाद मूव करके फेस वॉश के साथ तो आपने फ्री हो जाना। टी एक्शन क्लींजिंग का काम है स्किन को रिपेयर करना। दोस्तों ये थी कंप्लीट एप्लीकेशन, अगर आपको समझ ना आई हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर होगा, आप कॉल करके मजीद पूछ सकते हैं। और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।